हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एंटी नेटवर्क अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2022, डेट ऑफ एग्जामिनेशन फरवरी 2023, पेपर वन मॉक टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ पार्ट वन। ये मॉक टेस्ट है पेपर वन के लिए, तो आइए बिला ताखिर लेट्स स्टार्ट ना, हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, सेवन है एलेवन, सेवन उसके बाद एलेवन, फिर 19, 35, 67। ब्लैंक में यानी खाली जगह में क्या भरा जाएगा आपको बताना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सेवन में एलेवन का कितना का डिफरेंस है? फोर का डिफरेंस। सेवन प्लस फोर कितना हो गया? एलेवन। एलेवन प्लस एट कितना हो जाएगा? नाइनटीन। नाइनटीन प्लस सिक्सटीन आपका कितना हो जाएगा? 35। फिर यहाँ तक सेवन में हम सेवन में फोर एड किए प्लस फोर, नाइनटीन में प्लस एट ऐड करेंगे, थर्टीन में प्लस सिक्सटीन ऐड करेंगे, इसमें क्या करेंगे? 32, तो हो जाएगा 67। और 67 में अगर हम 64 ऐड करेंगे तो हो जाएगा मैंने 131, यानी 131 मेरा जवाब होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपको समझ में नहीं है तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, सेवन में प्लस फोर ऐड कीजिएगा, प्लस फोर तो आपका एलेवन हो जाएगा। एलेवन में प्लस एट ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा नाइनटीन। नाइनटीन में प्लस सिक्सटीन ऐड कीजिएगा, देखिए यानी ये जो है डबल होते जा रहा है आपका। एलेवन में सेवन प्लस फोर एलेवन प्लस एट नाइनटीन प्लस सिक्सटीन हो जाएगा 35, प्लस 32 हो जाएगा 67, प्लस 64 हो जाएगा 131। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। अब हम टू नंबर के पर चलते हैं। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी इनमें से चारों ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन जो है सबसे डिफरेंट है? पेपर, ऊल, प्लास्टिक, जूट, तो इसमें सबसे डिफरेंट है प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर थ्री है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव क्रिएटेड ए, तो इनमें से चार ऑप्शंस में से क्या जवाब होगा आपको बताने की कोशिश करनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव क्रिएटेड ए क्या है? सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग, यानी समाज को जोड़ता है नेटवर्किंग के जरिए। यहाँ पर फोर नंबर है, क्वेश्चन नंबर फोर है, द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज। अब लेटर सीरीज, वहाँ पे नंबर सीरीज था, यहाँ पर लेटर सीरीज है, आपको ऐड करना है, तो कौन सा जवाब होगा? देखिए, यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले के में, यहाँ से देखिए, जे के बाद के है, आई के बाद जे है, एच के बाद आई है, जी के बाद एच है, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, एफ जी एच आई जे के, एफ हो गया। तो इसमें देखिए एफ कौन सा है? एफ बी है और एफ यू है। एक तो ये दोनों खत्म हो गया, आपको इसको रिमूव कर दीजिए। अब ये दोनों ऑप्शन में क्या होगा अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, भी, भी में एक गैपिंग है, भी के बाद क्या हो जाएगा? यू के बाद टी, यू भी। आप यहाँ पर देखिए, क्यू के बाद आर एस, दो गैपिंग उसके बाद टी है। यहाँ पर देखिए, एम के बाद एन ओ पी, यानी तीन गैपिन, उसके बाद क्यू आ रहा है। यहाँ पर एच में देखिए, आई जे के एल, यानी चार गैपिन के बाद एम आ रहा है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू, एफ बी। यहाँ देखिए, ये तो आपको मिल गया। यहाँ पर देखिए, बी है, बी के बाद सी डी ई एफ जी, उसके बाद एच है, पांच गैपिन। आई
जे के एल यानी चार गैपिंग। उसके बाद देखिए एन एम के बाद एन ओ पी उसके बाद क्यू है यानी तीन गैपिंग। क्यू के बाद देखिए आर एस टी आ रहा है तो दो गैपिंग है। उसके बाद देखिए यू भी यानी उसके बाद एक गैपिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ बी। इस हिसाब से मेरा एफ बी आंसर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर फाइव है इन क्लासरूम कम्युनिकेशन एनालॉजीज आर कंसीडर्ड एज, तो क्या होगा इसका ऑप्शन आपको बताने की कोशिश करना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सपोर्टिंग एविडेंस हो जाएगा। इन क्लासरूम कम्युनिकेशन एनालॉजीज आर कंसीडर्ड एज सपोर्टिंग एविडेंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड, कंप्यूटर जो असिस्ट करता है लैंग्वेज को लर्निंग इज कॉल्ड क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेटिव कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेटिव कॉल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेवन है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज क्या किया जाता है, इफेक्टिव कॉग्निटिव नॉन सेलेक्टिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉग्निटिव। क्वेश्चन नंबर एट है मीन्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आर, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्रिटिकल एंड कॉरपोरेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनफॉर्मल। क्वेश्चन नंबर नाइन है जी आई एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी है ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी है ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इसका जवाब आप देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इससे क्या हो जाएगा आपको अंदाजा होगा कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। और ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई सालों के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है जो पूछा जा रहा है बार बार उसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टेन है पंचायत राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक राजस्थान। मैं 2012 से लेकर 2018 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसमें से क्वेश्चन मैं लेकर हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है द राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर, द राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर, किस साल में राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स में आया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू थाउजेंड टेन में 2010 में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है नीति आयोग क्या है, स्टेचुटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, या ऑप्शन नंबर डी है एडवाइजरी एंड नॉन स्टेचुटरी बॉडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडवाइजरी एंड नॉन स्टेचुटरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 13 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है एक चीफ जस्टिस के साथ कितने जजेस होते हैं, 7 जजेस, 9 जजेस, 25 जजेस या 30 जजेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 जजेस, मतलब 30 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच ईयर वाज द क्योटो प्रोटोकॉल साइन, किस साल में क्योटो प्रोटोकॉल जो है साइन किया गया था, 1997, 1992, 1995, 2005। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉल, इनमें से कौन जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉल कंसीडर किया जाता है, पीट है, लिग्नाइट है, विटामिनस है, एंट्रासाइट है। तो इसका राइट आंसर है एंट्रासाइट।
क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड, यानी किस तारीख को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, 29 दिसंबर, 5 जून, 21 मई या 22 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, 29 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेशनल लिटरेसी मिशन वाज एस्टैब्लिश, नेशनल लिटरेसी मिशन वाज एस्टैब्लिश इन किस साल कायम किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1988, यानी ऑप्शन नंबर टू में 1988 को कायम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम ए गुड टीचर इज टू हैव, यानी सबसे प्राइम बुनियादी रिक्वायरमेंट जो होती है एक गुड टीचर होने के लिए वो क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब्जेक्ट नॉलेज, यानी सब्जेक्ट नॉलेज जो है ना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़े एक टीचर बनने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एजुकेशनल टीवी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग, एजुकेशनल टीवी जो है को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में किस कब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, 1959 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंस्टिट्यूटेड बाय, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री, फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 21 है, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। बेसिक एजुकेशन का जो नज़रिया था वो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ NCERT जिसका शॉर्ट नेम है NCERT, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वाज एस्टैब्लिश्ड इन किस साल में कायम किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 1961 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैन इज बॉर्न फ्री, माने आदमी जो है आज़ाद पैदा होता है, बट एवरीवेयर हर जगह ही इज इन चैन्स, एक चैन में रहता है, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, ये बयान किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीन जैक्स रूसो ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिनीमाता डिसीज इज इन जापान, मिनीमाता डिसीज जो हुआ था जापान में हुआ था, वाज कॉज बाय पॉल्यूशन ड्यू टू, किसके लीकेज के वजह से हुआ था, लीड, मरकरी, कैडमियम, जिंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, मरकरी के जरिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल, कंप्यूटर वायरस इज ए, कंप्यूटर वायरस जो है क्या है, हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, मैंने जो मॉक टेस्ट आपके सामने पेश किया, ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है, इस तरह मैं फर्स्ट पेपर का लगातार मॉक टेस्ट आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और याद रहे कि फर्स्ट पेपर जो है वो सबके लिए कॉमन है, 89 सब्जेक्ट्स पे यानी 83 सब्जेक्ट्स पे जो आपका नेट का एग्ज़ाम, UGC नेट का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें फर्स्ट पेपर जो है वो कॉमन है, सभी के लिए है। और जो सेकेंड पेपर है, जो सब्जेक्ट जो मास्टर डिग्री में पार्टिकुलर जिसका सब्जेक्ट होता है वो उन लोगों का होता है, तो इसलिए आप फर्स्ट पेपर को पाबंदी के साथ देखें। और कंपटीशन असल में फर्स्ट पेपर में ही होता है, सब्जेक्ट्स में अच्छे लोग अच्छे खासे नंबर उठा लेते हैं, लेकिन जो कंपटीशन होता है वो फर्स्ट पेपर में होता है। मैंने 4 बार नेट क्वालिफाई किया लेकिन GRF से 2-4 नंबर से मेरा रुक जा रहा है, उसकी वजह क्या है, फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर को अगर मैं अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो मैच GRF आसानी से हो जाएगा।
तो सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों में अच्छे से तैयारी करने हैं अगर आपको जारेक क्वालिफाई करना है। मैं 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ, इसलिए 5वीं बार मैं देता रहूँगा, लगातार देता रहूँगा जब तक जारेक नहीं होता। इसलिए आप पाबंदी के साथ मेरे चैनल को देखें और ख़ुद भी तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, तब जाकर के आप नेट क्वालिफाई कर पाइएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।